अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सर रहमान एंड यू आर वाचिंग हॉटलाइन। एक दफा फिर पाकिस्तान में तब्दीली की फिजा चल रही है। जो एक जमाने में कातिल लीग जिस जमात को कहा जाता था, अब वो एक इत्तेहादी जमात बन चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसके साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो हमें अभी तनाव नजर आ रहा है, जो सिचुएशन चेंज हो रही है, उसका थोड़ा तज्जिया मैंने समझा करना जरूरी होगा, क्योंकि हमें करना है तज्जिया तब्दीली का। आज हमारे साथ एक बहुत मोहतरम शख्सियत बैठे हुए हैं, जिनका कोई ही इज नो नीड फॉर एन इंट्रोडक्शन। ही इज अ हाईली डिस्टिंग्विश्ड एंड बुर्दबार मतलब शख्सियत है। हमारे साथ है पीर पगाड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। पीर साहब, मैं शुरू करना चाहूँगी ये कि जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तो बातचीत यही चल रही थी इनकलाब की, तब्दीली की। अब उस तब्दीली कि हमें चीजें तो नजर आ रही हैं, आपको कैसा दिखाई दे रहा है अभी तब्दीली जो पाकिस्तान की फिजा में हो रही है? इनकलाब आना ही आना है। अब किस्म किस्म का इनकलाब आता है, दैट इज़ टू बी सीन। अमेरिकन्स ने कह दिया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये भी इनकलाब हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ अपहील आए और कोई गवर्नमेंट बनाए। और अगर दोनों साथ साथ आ गए, इनकलाब तो इनकलाब ही है ना। ठीक है, इनकलाब की तरफ हम लोग बाद में आएंगे। मुझे अमेरिका की तरफ, अगर हम थोड़ी सी उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि आज जो हमें रिलेशनशिप नजर आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, मेरी जब मुशर्रफ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो हालात अभी हैं इस रिलेशनशिप में, कभी ये इतने खराब नहीं थे। हम यही सुनते हैं, खराब है। आपको जब थ्रेड देते हैं कि 3 दिन पहले आज से कि थर्ड बार भी फाटे ना में पाकिस्तान, तो इससे ज़्यादा थ्रेड क्या हो सकती है। जो एक्शन अमेरिका ने अभी पाकिस्तान में लिया है, जिस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक ये भी सोच रहे हैं कि अमेरिका जानबूझ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? जॉर्ज बुश ने तो कहा था कि क्रूसेड विल बी फॉट, तो ये क्रूसेड का असर है। ये जो नियोकॉन्स ने क्रूसेड अगेंस्ट मुस्लिम हाँ, कंट्रीज, वो शुरू है। इसका तोड़ क्या है? तोड़ कुछ नहीं, कुदरत के तरफ से हो तो हो, बाकी आप में से या हम में से कोई तोड़ नहीं दे सकता। अच्छा, अमेरिका के हवाले से हमारी एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी और आपने कहा था कि आपने कुछ ऐसे मैप्स की आपने गुफ्तगू की थी, जिसमें पाकिस्तान का नक्शा आपने कहा था मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, वो क्या थी? यहाँ अखबारों में छपा था मैप, मिडिल ईस्ट और इंडिया की वो मुख्तलिफ हुकूमतें थी। आपको लग रहा है कि वाकई अमेरिका जो है, या ऐसी फॉरेन कुवतें हैं जो पाकिस्तान का नक्शा बदलना चाहती हैं? पाकिस्तान का सिर्फ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का भी नक्शा बदलना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब जो एजिटेशन, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हिंदुस्तान में तो हमें नहीं नज़र आ रहा कि कोई अमेरिका का, वो तो उनकी हिमायती हैं, इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं। देखिए ना, पार्टनर्स हम भी थे, लेकिन हमारे यहाँ भी नाइतफाकी तो पैदा होने शुरू हो गई थी ना। इंडिया में ऑलरेडी, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, नागाज में हो रही है नाइतफाकी है। तो अमेरिका किसी का लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं बनता? वो कभी भी इंडिया को सुपर पावर होने नहीं देगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी और बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका का आपको पाकिस्तान में, जब मेरी कुछ लोगों से बात, मुशर्रफ साहब से फिर जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट कहने, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को रोक नहीं सकते, चाहे हम कितना भी चाहें। हमारे दौरे हुकूमत में ये था कि 9 ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, अब 260 होती हैं। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि हम नहीं रोक सकते? मुशर्रफ साहब ने जो बात की है, ये हुकूमत, इस हुकूमत की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अमेरिका का अभी पाकिस्तान में अभी हमें किरदार नजर आ रहा है? इस हुकूमत पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारी आंखों के सामने? इस हुकूमत या किसी भी हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ सकती।
क्योंकि उनको अपने टाइम टेबल को देखना है और बढ़ना है। हम न रोक सकते हैं न अपना इशू उनसे मनवा सकते हैं। फिर क्या लोग कहते हैं कि ओबामा ने जैसे कि अपनी स्पीच में कहा, जब बिन लादेन के बारे में बाद में वो अपनी स्पीच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सदर जरदारी साहब को मैंने फ़ोन करके इत्तला दी और हमने ये एक्सचेंज किया। तो लोगों में एक सोच है कि शायद सदर जरदारी कमज़ोर सदर हैं, क्या ये सोच सही है? पर ये तो सही है कि वो कमजोर सदर है, लेकिन आप ये भी फिर कहते हैं कि चाहे कोई भी हुकूमत होती, हम नहीं रोक पाते अमेरिका को। मुशर्रफ की हुकूमत होती तो भी रोक नहीं पाता। तो फिर हर सदर पाकिस्तान का अभी जो बनेगा या जो भी पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे, रोक नहीं सकेगा, वो सब कमजोर पोजीशन में होंगे। कमजोर नहीं, ताकतवर हमेशा गरीब के लिए होता है आदमी, हम गरीब हैं ताकतवर वो है। अच्छा, हम बात करते हैं सदर मुशर्रफ के हवाले से। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे। अगर मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो मैं वापस आऊँगा, अगर नॉर्मल इलेक्शन होंगे तो उससे पहले वापस आऊँगा। आपको क्या लगता है जब वो वापस आएंगे, बनाई हुई जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मेम्बरान हैं, क्या वो मुशर्रफ साहब को ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम मुस्लिम लीग ही मतलब परस्त हैं। जब परवेज साहब पाकिस्तान में आएगा तो ही विल बी राइडिंग पावरफुल कंट्री। इनका क्या हुआ फिर, जो हैं सब भागेंगे इधर। आपको लगता है कि परवेज मुशर्रफ साहब भी किसी डील के थ्रू आएंगे, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी डील के थ्रू आएंगे? जो भी आता है डील के थ्रू आता है। परवेज मुशर्रफ साहब से मैंने ये सवाल पूछा, मैंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान डील के थ्रू आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी भी डील के थ्रू नहीं आऊंगा, मुझे किसी की डील की जरूरत नहीं है। इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज सच कम बोलती हैं। नाज़रीन, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे, हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे कि मुशर्रफ साहब की वापसी के बाद क्या होगा, पाकिस्तान का सियासी मंजर कैसे चेंज होगा, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि कातिल लीग कहलाई जाती थी, उसने जो हुकूमत में अब शमूलियत की, इसके क्या पाकिस्तान की सियासत पे असर होगा। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग बैठे हुए पीर पगाड़ा साहब के साथ। जी पीर पगाड़ा साहब, आपकी पेशेंट गोई जो होती है उसको लोग बहुत ही मतलब अक्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अब हम जब बात करें मुशर्रफ साहब के, आपने कहा कि जब वो वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग मुफाद परस्त होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि सरदारी साहब जिनको कातिल लीग कहलाते थे, आप लोगों के बीच दरमियान सारी जो हैं धड़ें जम हो रही थी, क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना रुख बदल लिया? इन लोगों के मतलब ऐसे थे कि उनको जल्दी वसूल करने थे, सब्र नहीं था। हमें सब्र कभी होता ही नहीं है मुस्लिम लीग वर्ष में। आप उनके पाकिस्तान बनने के बाद हिस्ट्री देख ले। तो मुशर्रफ साहब ने भी तो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही बनाई है, तो सबर नहीं होता। अच्छा, आपकी बातचीत हुई चौधरी शुजात से या चौधरी परवेज इलाही से, उनकी हुकूमत के शमूलियत में मतलब करने से पहले कोई गुफ्तगू हुई थी? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आपको कंसल्ट नहीं किया? उन्होंने कांटेक्ट किया ना, मैंने टंगा कांटेक्ट किया। अच्छा ठीक है, तो ये आपको अब जो हुकूमत में आ चुके हैं, मिनिस्ट्रीज मिली हैं, पोर्टफोलियोज मिले हैं, आपको लगता है कि फंडामेंटली क्या ये हुकूमत में इसलिए शामिल हुए हैं ताकि इनको ये पोर्टफोलियोज मिले, या फिर क्या ये NICL स्कैंडल, मोनिस इलाही साहब की जो केस हुआ है उस हवाले से ये मजबूर हो गए? ये भी सबब है, लेकिन मिनिस्ट्रियाँ ज़रूरी थी, ज़्यादा ज़रूरी मिनिस्ट्रियाँ, वो क्यों? हम मतलब परस हैं। मोनिस इलाही 2-4 साल में निकला आएगा, 2-4 साल हम कैसे गुजारे के? नहीं, कोई अपने बेटे को जेल में तो नहीं देखना चाहता ना पीर साहब?
करोड़ों के मामले बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, भाई भाई को मारता है, बेटा बाप को मारता है। आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। खैर, मिनिस्ट्रीज के लिए आपको लग रहा है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर। देखो भाई, मैंने उनसे बात कोई नहीं की, ना उनने मुझसे की है। सही बात क्या है वो नहीं। अब ये है कि अंधेरे में लाठी चलाना, जो जाहिर बातें होती हैं उनको आगे पीछे करना। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत के इत्तेहादी बन के जब तक हुकूमत का टर्म नहीं खत्म होता, ये हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? हुकूमत का टर्म खत्म जब होगा तो वोट से नहीं होगा, बल्कि बहुत सी और बातें हैं जिनकी वजह से होगा। किन की वजह से? जो माशी हालात हैं मुल्क के, जो इनकलाबी सोच, तो आपको लग रहा है कि वोट की वजह से नहीं खत्म होगा? वोट तक जाएंगे ही नहीं। जब से ये हुकूमत आई है, हर कोई ये कहता है कि 6 महीने में हुकूमत जा रही है, साल में हुकूमत जा रही है, 2 साल में, कोई लेकिन हुकूमत सेंसेबल आदमी सवाए इसके कुछ नहीं कह सकता, ये जाएंगे। और आदमी जो हाकिम है वो पाकिस्तान को कैसे ना डुबाना चाहता है जाने से पहले। आपके तो ये कैसे सर्वाइव कर गए हैं इतनी देर तक? सामने सवाई कर गए मांग मुंग के। सदर जरदारी अच्छे सियासतदान निकले। जो कुर्सी में बैठता है वो सियासतदान ही हो जाता है, मुशर्रफ साहब ने कहा कि अभी तक मैंने सियासत नहीं सीखी है, लेकिन वो चला गया 9 साल। लेकिन कह रहे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, सियासत नहीं सीखी अभी तक, सीख जाऊंगा। कहते हैं सीख जाऊंगा, लेकिन सियासतदान की सोच नहीं जो बना। टर्म था, जो वक्त था, वो तो सीख नहीं सका। अब अगर टर्म हो और तो ये हुकूमत करेगा या सीखेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ चलते हैं। अभी उनकी सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ नजर आ रही है क्योंकि काफ लीग ने हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके असरात, मतलब आपने तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप मतलब यू लिव्ड इट, तो इसके असरात मुस्लिम लीग नवाज पे भी क्या होंगे इस अलायंस के? इसके लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि नवाज शरीफ इज ब्लैक, और उनके भाई शहबाज शरीफ, ब्लैक उनके भाई ब्लैक हैं, ब्लैक नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ, और नवाज शरीफ ब्लीक, ब्लैक। सो इट्स ओवर। आपने ये भी कहा था कि अगर अगर पाकिस्तान के मुफाद में ये होगा तो आप जरूर दावत देंगे, आप भेजेंगे चौधरी शुजात साहब को और जमाली साहब को नवाज शरीफ साहब के पास, दावत के पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं। जमाली साहब उनके खिदमत में गए अच्छा, और उन्हें बेरुखी का इजहार किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद नहीं बैठा, खुर्शीद साहब को बिठाया। तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ हर मतलब समझ नहीं आती कनेक्शन, कि जिस मुशर्रफ साहब कहते हैं मेरी उनसे नहीं बनी। जब आपसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी, आपने भी कहा था कि मैं दावत जरूर दूंगा लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे। मैंने उससे कहा था जी, तो ये क्या, क्यों नवाज शरीफ साहब के क्या? नवाज शरीफ साहब मगरूर बहुत हो गए, और बकौल दूसरे आदमी के जो मिला जी, है वो यही कहते हैं कि इसके गर्दन में थड़ी आ गई है। ये शेख रशीद साहब ने कहा था। एक्चुअली शेख रशीद साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ के गर्दन में सरी आ गया है, और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल जाएगा। उम्मीद यही है, आप भी यही कह रहे हैं? मैं तो शुरुआत से कहता हूँ अच्छा, नवाज शरीफ के तो मैं बिल्कुल खिलाफ था। काफ लीग वापस ओदे मिल गए, हुकूमत में शामिल हो गए, इलेक्शन की तरफ जाते हुए अब इसको ये कैसे अपने मिनिस्ट्रीज वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे कुछ तरक्याती काम हो जाएं? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी, जो खुद भी इलेक्शन की तरफ जा रही होगी, इनको इतना मार्जिन देगी खेलने का? नहीं, तो ये क्या सोच के गए हैं, सिर्फ मिनिस्ट्रीज? इस वक्त तो जरदारी साहब का मुश्किल हल करने गए हैं।
जरदारी साहब का मुश्किल हल करने गए हम। जब उनका वक्त आएगा क्या जरदारी साहब हल करेगा उनका मुश्किल? ये मैं आपसे पूछा, जब मुस्लिम लीग काफ पे बुरा वक्त आएगा क्या जरदारी साहब उनकी मुश्किल हल करेंगे? नहीं, जरदारी साहब ने कभी किसी की मुश्किल हल की है? हो सकता है हो सकता है किसकी? जो दुनियावी मकसद होते हैं आदमियों के, लेकिन मुफाहमती पॉलिसी जो है वो में मुफाहमती कम एंड टेम्परमेंटल नीड नेसेसिटी पे चल रही है। मुफाहमती पॉलिसी इनकी नहीं है, जाहिरी है असली नहीं है। दूसरे आदमी की ज़रूरतमंदी है, जो मजबूर हो के वो अपना ख्वाहिशात पूरे करने के लिए जाते हैं, और जब टर्म ख़त्म हुआ या ज़रूरत इनकी न रही तो जरदारी साहब दूसरे होंगे। लेकिन ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है, अब तक तो हमारे सियासतदानों को सीख नई सिचुएशन पैदा हुई है और आदमियों ने नई सिचुएशन में उम्मीद रखी है। उम्मीद पे सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान उम्मीद पे चल रहा है, सियासत उम्मीद पे चल रही है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि हम वापस आ जाते हैं, हमने डिस्कस कर लिया मुशर्रफ साहब का जो रोल है, जो अमेरिका का हमें रोल नज़र आ रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो हमने किया है, मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी जो आपकी पार्टी है उसमें किस तरह, मतलब आपकी एक पोजीशन है, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे ये होता है, मतलब क्या एक इलेक्शन प्रोसेस होता है ताकि जो हमारे आवाम देख रहे हैं उनको पता चले, किस तरह सिलेक्शन किया जाता है, किसी को आप नॉमिनेट करते हैं? मैं नॉमिनेट करता हूँ। आप नॉमिनेट करते हैं, आपने डिसाइड किया है कि किसको? अच्छा, आप नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद क्या फिर वोटिंग होती है? उसके बाद इलेक्शन होता है। क्योंकि आपका सिंध से ताल्लुक है, आप मुझे बताइएगा कि सिंध में आजकल बहुत ज्यादा, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में थोड़ी कम, खैबर पख्तूनख्वा में तो एक जंग का ही समा बना हुआ है, लेकिन सिंध में भी अगर आप हम लोग अंदरून सिंध जाएं, एक एहसास मतलब महरूमियत सी है लोगों के अंदर, लोगों को उम्मीद नहीं रही है अपने सियासतदानों से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ये सिंध में एक दम से तो नहीं पैदा हुई है, काफी अरसे से ये चलती आ रही है। सिंध में आपको कौन से ऐसे सियासतदान नजर आ रहे हैं उभरते हुए जो लोगों की सही तरह नुमाइंदगी कर सकते? अभी तक तो कोई खास नहीं, दो तीन है जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और समझता हूँ को लायक है, लेकिन हो सकता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से हटके हो जाए। ये कौन दो तीन हैं? नाम लेके मैं क्यों उनको फंसाऊं? अच्छा, वो फंस जाएंगे अगर आप उनके नाम ले लेंगे। चलिए फिर उनके नाम आप ना लें। लेकिन मैं सुन में एक तरफ हूँ, दो तिहाई मेरे खिलाफ है, और वो दो तिहाई में से हैं, उनको मैं सपोर्ट कैसे करूँगा, बताऊँगा कैसे? पी साहब, एक खबर छपी थी कि चौधरी शुजात साहब ने आपसे अपील की है कि आप उनके इत्तेहाद के लिए दुआ करें, क्या उन्होंने आपसे वाकई अपील की, दुआ की? कोई अपील के लिए कहा नहीं है, और दुआ मैं ऐसे इत्तेहादों के लिए मांगता नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो आप दुआ गो हैं। वो है दुआ गो, लेकिन ये सब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थोड़ी कटे हुए हैं, अपने अपने शख्सी। अंडों का ऑमलेट है ना, लास्ट टाइम मैंने कहा अंडों का ऑमलेट है, जब भी जरूरत होती है फिट के तैयार हो जाती है मुस्लिम लीग की, जो भी धड़ो ऑलवेज रेडी ऑर्डर्स। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि आपके बहुत क्लोज ताल्लुकात हमेशा रहे हैं फौज के साथ, और आप ये आप उनमें से, आप उन सियासतदानों में से हैं जो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान, आप पुरजोर तरीके से कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए मतलब एक बहुत अहम किरदार हमेशा उन्होंने प्ले किया है। आपको लग रहा है कि अमेरिका जानबूझ के हमारे फौज की जो परसेप्शन है पावर की, उसको कम कर रहा है इंटरनेशनली? पावर कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की सत्यानाश कर रहे हैं, हमारी फौज का भी सत्यानाश कर रहे हैं? अब मैं कह नहीं सकता, हमारी फौज उनके काम की है। ये अमेरिका ही बेहतर जवाब दे सकता है।
या हमारी अफवाज में से कोई जवाब दे सकता है। आपको क्या लगता है, हमारी फौज उनके काम की है? फौज अपने साथियों का साथ देगी। और क्या अमेरिका फौज का साथी है? ये मैं कह नहीं सकता, साथी होना चाहिए। पाकिस्तान क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथी है? का नहीं, फौज का। अब आप आ जाते हैं पाकिस्तान पे, जो अब ये जो स्टेज सेट हो रहा है, काफ़ी आ गए, इलेक्शन आपने कहा वोट के जरिए नहीं होगा, अब ये प्लानिंग क्या हो रही है पाकिस्तान के मुझे पता अंदर? नहीं, जो मेरे साथ या कोई मुझसे पूछे या मुझे बताए या मैं उनमें बैठूं और जो सुनूं उसको। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, ब्रिटिश हुकूमत गई, उनकी जगह अमेरिका आ गया, इस पे तो आप अग्री करते हैं? पहले चलिए, पहले ब्रिटिश हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे, अब अब अमेरिका अमेरिका है, ब्रिटिश का वारिस होके आ गया। ठीक है। उसी दौरान हमने देखा है कि इलेक्शंस होते हैं, फिर डिक्टेटरशिप आती है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर जैसा मैंने कहा 90s का पिंग पोंग का गेम चलता है पार्टीज, दो मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान। अब पाकिस्तान में क्या होने को आ रहा है, क्या होने जा क्या रहा है? होने जा रहा है? देखो, पब्लिकली इसका जवाब देना खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं है पाकिस्तान का अगला तबसरा, मतलब हाँ, करना, मैं करना ये बड़ी खौफनाक बात है। क्यों हम लोगों ने खुद हालत बिगाड़ी है। नहीं, बिगाड़ता तो इंसान खुद ही है, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन इस सवाल का जवाब खतरनाक क्यों है? आप समझ ले, मैं समझ लूं, मैं तो शायद किनको? समझ लूं, जो लोग देख रहे हैं शायद उनको ना समझ आए, जो हमारी ऑडियंस देख रही है। देखो भाई, वो कि आपके ऑडियंस से अब तक कितना समझा है। हम हिस्ट्री भी झूठी लिखते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी झूठी करते हैं। लेकिन हर सियासतदान अब एक नारा लगाता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें शऊर आ गया है, अब वो बदल गई है। आपने खुद कहा कि लोग अब समझ रहे हैं, तो शऊर तो है, शोर सीखा तो है, है। लेकिन कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है उनको। शायद उनसे कभी सच ना बोला गया हो, इसलिए कोई सच बोलेगा तो जरूर सुनेंगे। तो इसमें क्या क्या पाकिस्तान की देखो भाई, थोड़े साल पहले मैंने कहा था कश्मीर ना हमारा था, ना है, ना होगा। मैंने तो सच बोला था, कितनी गालियां पड़ी। ठीक है, क्योंकि कश्मीरी जो हैं मेरे ख्याल से अपने खुद डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। उनको डिसाइड करने को तो हम मानते ही नहीं है ना। हम ये कहते हैं ये हमारा है। लेकिन आपने सच तो बोला, मैंने बोला भाई, आदमी कोई मुझे थोड़ी मानेंगे, वो गवर्नमेंट को मानेंगे। और उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है कि हमारा है, हमारा हक है, हमारा मेन नर्व है, तो उसमें होता है ना। फिर से मैं आ जाऊंगी उसी सवाल पे जो आप कह रहे हैं खतरनाक किस्म का जवाब है, कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने वाला है? वो ही होने वाला है जो सारी दुनिया में होता है। सारी दुनिया में एक अच्छी जमहूरियत भी चलती है, सारी दुनिया में हेल्थ केयर भी मिलता है, तालीम दी जाती है बच्चों को, स्कूल्स होते हैं, माशी हालात ऐसे नहीं होते। स्कूलों में बैल बैल बकरियां हैं, तालीम दरख्त से नीचे कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। यही तालीम है, यही स्कूल है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे पूछा था पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, आपने कहा पाकिस्तान में भी होगा जो बाकी दुनिया में हो रहा है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? बाकी दुनिया में अभी हो नहीं रहा है, लेकिन पहले होता था। हम अभी तक माजी में फंसे हुए हैं। हम किस सदी में फंसे हुए हैं अभी? पाकिस्तान अभी आप देखें, अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर निकलें, देही इलाकों में, टोल प्लाजा से आगे निकलें कराची के, तो हम किस सदी में, 19वीं, 18वीं, या जहां पे हमें ब्रिटिश हुक्मरान छोड़ के गए थे? देखिए, आपने अपने कौम को खुद उजाड़ रखा है। हमने कैसे, हमारे लीडरान ने, हमारे मौलवी साहबान ने उर्दू मीडियम कर दिया है,
सिर्फ बड़े लोग या मौलवी साहब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन मौलवी साहब को भी वोट तो आवाम देती है, पैसा भी आवाम देता है, चंदा चंदा भी आवाम देती है, और उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और आवाम तख्ती के ऊपर दरख्त के नीचे। एक मौली साहब की बेटी भी गई हुई है बाहर पढ़ने के लिए। अब जवान लड़की बाहर जाती है, उससे कौन सवाल पूछेगा? कोई नहीं। एक तरफ मौलवी साहब की बच्ची बाहर पढ़ने जाती है, एक तरफ यहाँ पे जो बाकी बच्चियाँ हैं उनको स्कूल की शक्ल नहीं नज़र आती, तो फिर सवाल वही होगा, पाकिस्तान में क्या होगा? क्या सिर्फ पाकिस्तान में मौलवियों ने पाकिस्तान की जब हालत? इल्म नहीं होगा, साइंस नहीं होगी, इंजीनियरिंग नहीं होगी, तो बाबा कोई यहाँ कोई काम ही नहीं होगा जो करें। हम में से जो बाहर पढ़ने जाता है वो लौट कर कितने परसेंट रहता है? आप वापस आए? नहीं, मुझे तो आना था ना यहाँ, मुझे लाया गया था, मुझे भेजा गया था आपको और भेजा लाया गया गया था और आपको तो उल्टा भेजा गया था था, भेजा गया जबरदस्ती, था और लाया और गया था। ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इनकलाब के बाद? इनकलाब अपने लीडर्स खुद पैदा करता है। इनकलाब के बाद वो इनकलाब उसी को कहते हैं, टेबल टर्न को। हम लोग इनकलाब पे वॉचिंग सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी पी साहब, तो पाकिस्तान में अब आपने कहा है कि शायद अमेरिका का जो है यहाँ पे रोल ज़्यादा होगा, इनकलाब मस्ट ही आएगा और उसके बाद बेहतरी, शायद उसके बाद शायद बेहतरी आ जाए। और जब इनकलाब आएगा, क्या वो जो हम देख रहे हैं बाकी मुस्लिम ममालिक में वैसा ही होगा या खूनी इनकलाब? अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है, अकाउंटेबिलिटी होगी। क्राइम सप्रेस नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन, वहाँ सप्रेशन आएगा। वापस आ जाते हैं उस पे पॉइंट पे जो आपने कहा था कि जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो वोटों से नहीं जाएगी। अज्यूम करते हैं कि जरदारी साहब की हुकूमत गई, इलेक्शन होते हैं, उसमें एक नई पार्टी या नए चेहरे आते हैं। अभी इमरान खान साहब की बड़ी जोरों शोर से कैंपेन चल रही है, किसकी? इमरान खान, हाँ मुशर्रफ चलेगा, साहब वापस आ रहे हैं। मुशरफ साहब को अमेरिकन सुनाएंगे। मुशरफ साहब खुद नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगा तो लटक जाएगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मतलब चेहरे नहीं बदलेंगे, इलेक्शन के बाद शायद कोई ऐसी पार्टी उभर के आए? आपने एक और चीज कही, आपने कहा था कि मूवमेंट, कोई भी सियासी मूवमेंट जो शुरू होती है वो पंजाब से शुरू होती है, मैंने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा था नहीं। लास्ट इंटरव्यू में? आपसे जब पूछा था कि आपको लगता है कि कोई जब तब्दीली आएगी, जो मूवमेंट शुरू होगी, वो कहाँ से होगी? आपने कहा था पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। मैंने कहा था वो सबसे बड़ा सूबा है, वो हकीकत है। और उधर से ही कोई तब्दीली शुरू होगी? देखिए, मैंने इस बेसिस पर कहा होगा, अगर ये सवाल पूछा गया है मुझसे तो, बलोचिस्तान छोटा है, वहाँ मूवमेंट हुई, मारा मारी हो रही है, लोग मर रहे हैं और लोग मार रहे हैं, फिर इंटर है दूसरा, उसमें भी अपीवल्स आ रहे हैं। वो इस वजह से कुछ नहीं हो रहा कि वो छोटे सूबे हैं। अगर पंजाब में कुछ हो तो वो तो हमारा 60-70% है। ठीक है, तो लॉजिकली ये बात समझ में आती है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर वहाँ से कोई मुहिम चलेगी तो फिर वो ज़्यादा चांसेस हैं कि कामयाब हो। अच्छा जी पी साहब, ये बताइएगा कि मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ सिर्फ एक केस है जो अभी एक्टिव है, और उनका ये दावा है, दावा है कि वो वापस आएंगे। आप कह रहे हैं अमरीकन उनको वापस लाएंगे, अमरीकन यहाँ पे लोग कह रहे हैं जरदारी साहब की भी हिमायत कर रहे हैं, अमरीकन जो है वो फौज के साथ भी बात कर रहे हैं, तो अमरीका बहादुर किस किस के साथ? वो अपने आप से खुले रखते हैं और जितना काम कर रहे हैं
करते हो, पेमेंट पहले मिल जाता है, वो काम जितना कर सकते हैं करते हैं। तो अमेरिका प्लेज एवरीवन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, बट यू सी ऑल द टाइम इन एवरी कंट्री। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लोगों की एपेटाइट जो है ना वो थोड़ी कम है, क्योंकि बाकी मुल्कों के मुकाबले में आई थिंक हमारे लिए अंदर कोई जमहूरियत कूट कूट के भरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई डिक्टेटर साहब ज़्यादा अरसा नहीं रह पाते। अगर आप देखें मिस्र को, अगर आप देखें लिबिया को, यहाँ पे लोग 30-30 साल रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम ने कभी इतनी गुंजाइश ही नहीं दी। वो नेशन थे, हम सूबे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इन मुल्कों में 30-30 साल डिक्टेटर्स रहे हैं, हमारे मुल्क में हमारी आवाम नहीं बर्दाश्त करती, तो जमहूरियत पसंद तो है। वो जमहूरियत जिसमें पैसे बने, आवाम भी वर्कर्स वगैरह सब क्या मुफ्त में रोटी कपड़ा मकान के दिलासे पर चल रहे हैं, और ये दिलासा पे वोट भी तो मिल रहा है। बस वो यही तो कहते हैं कि एक आदमी बोलता तो है रोटी कपड़ा मकान। क्या हमारी आवाम इतनी तरसी हुई है कि उनके लिए लफ्ज ही काफी हैं? तो जो आवाम इतनी तरसी हुई है, जो इतनी बेबस है, वो कहाँ से इनकलाब लाएगी? बेबस नहीं, लालची। हमारी आवाम लालची है। हम भी हैं लेकिन आवाम हमसे ज्यादा है। भी साहब, ये तो बड़ी ब्लीक किस्म का सिनारियो। आप तो कहते थे नवाज शरीफ इज ब्लीक देखिए एंड भाई, शहबाज शरीफ इज ब्लैक, मुझे तो पूरे पाकिस्तान का। जो मैं देखता हूँ कॉमन सेंस से कहता हूँ, ठीक है, मैं कोई पक्की मालूमात तो नहीं है, लग जाए ले तो क्या लग गया, न लगे न तो लगे। कनी लोग आपकी बात को बहुत सीरियसली सुना जाता है, माना जाता है जो आप कहते हैं। मैं सच के नजदीक बोलता हूँ और झूठ से पर दूर होकर नहीं बोलते। और हमारे सियासतदानों की सच्चाई क्या है? सच सियासत दोनों की, पहले पेट, पहले खैश, फिर दरवेश वाली पॉलिसी है। अगर अगर आगे जाके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको फिर से चौधरी शुजात साहब, काफ लीग से मुफाहमत की पॉलिसी करनी पड़ी, आप करेंगे? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आदमी, अब मैं फिर गालियाँ खाऊंगा, जिन्हें ये उनकी औलाद है जिनको मैंने ठगों का टोला कहा, तो मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? ये आप कह रहे हैं चौधरी शुजात के हवाले से? चौधरी शुजात ये वो चौधरी जहूलाई की औलाद है ना, और उसके भाई की, ये अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलेंगे ना। लेकिन आप तो इनके साथ मुफाहमत के लिए तैयार थे। वक्त जरूरत पर गधे को बाप कहता है आदमी। फिर साहब, आप वाकई बहुत सच बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से नाजीन, ऑनेस्टली मैंने कभी किसी सियासतदान को, मैंने काफी इंटरव्यूज कर, इतना सच और इतने सच्चाई से नहीं बोलते हुए सुना है। तो फिर अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आप किसी से भी मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं मुफाहमत करने के लिए तैयार। और उम्मीद हो सकती वो है पाकिस्तान के लिए, अपने लिए कोई उम्मीद नहीं होगी। ये तो शुजात साहब ने भी कहा था मुझसे, उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी होगी, आवाम की बेहतरी होगी, तो हम मुफाहमती पॉलिसी करेंगे। तो शायद इसीलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तानी कि चीजें बदल जाएं। अमेरिकन जरूर उसे लाएंगे, मुशरफ को एज डिप्टी, जो भी हो, एज देयर डेप्यूटी, और इलेक्शन भी जितवा देंगे। इलेक्शन के ऐसे माहौल में जरूरत क्या होगी? ये आपने बात पते की कह दी कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा शायद जिसमें इलेक्शन की जरूरत ही ना हो, जिसमें अमेरिका के मातहत मुशर्रफ साहब आए। हमारे यहाँ उनका वायसराय होगा, हो सकता है वायसराय, हो सकता है वायसराय मुशर्रफ। हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बिन लादेन के हवाले से? ये यहाँ से नहीं पकड़ा गया, दो चार बार पाकिस्तान में अंदर आ गई है फौज उनकी, वो पकड़ कर ले गए। ये प्रॉपर टाइम समझा के उसको जाहिर करें।
और जाहिर किया अभी तक कोई फोटो तो रिलीज नहीं किया, फोटो जो ने रिलीज तो नहीं किया। अच्छा, कोई तस्वीर रिलीज नहीं किया? तस्वीर मैंने देखी है, फोटोग्राफ टेलीफोन पर भेजा गया ईमेल में, वो देखी है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कराची के हालात की तरफ से भी। हम लोग कराची शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे टारगेट किलिंग्स इंक्रीज ही करती जा रही हैं, और जिन जिन जमातों के बीच में इख्तलाफ हो रहा है, ये सब इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM, और तीनों के बीच में इख्तलाफ हो रहा है, इसमें कराची के शहरी पिस रहे हैं। इसके लिए आप किसको ब्लेम करेंगे, भाई MQM रिस्पॉन्सिबल भी है? करती होगी लेकिन पीपल पार्टी नहीं करती, ये मैं आप वोट करती MQM है। कहती क्या? आप पीपल्स पार्टी करते हैं और हाँ ANP सब मुलव्वस हैं। खैर NP भी करती होगी लेकिन खुद भी मुलव्वस है। जी पीर साहब, तो कराची की सूरत हाल तशवीशनाक, पाकिस्तान की सूरत हाल कॉमन सेंस से कोई भी ठीक नहीं है। कुछ तो पॉजिटिव होगा। मैं घर बैठा आदमी हूँ तो मैं तो नेगेटिव नेगेटिव देखता हूँ, सुनता हूँ। लेकिन उम्मीद है। अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, अच्छी उम्मीद है। चलिए, थैंक यू वेरी मच पीर साहब, आपने टाइम निकाला। आई मेहरबानी, वेरी ट्रूली काइंड ऑफ ट्रूली यू। अप्रिशिएट, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। क्या आप देखा नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की और हम ये जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में अभी क्या सिचुएशन होगी और आगे जाने वाले दिनों में क्या होगी। तो पीर साहब ने हमसे ये कहा कि अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो जिसने हुकूमत ज्वाइन की है, उन्होंने मिनिस्ट्रीज के लिए ज्वाइन की है और शायद थोड़ा बहुत किसी एक बच्चे के बचाव के लिए। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये जो है वोटों के जरिए नहीं, ये किसी और तरीके कार से जाएगी और इसकी जगह परवेज मुशर्रफ साहब वाइसरॉय बन के वापस पाकिस्तान अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस पे, अमेरिका की पपटियरिंग पे वापस आएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में आ क्या होता सकते है। हैं, आ सकते हैं, आएंगे नहीं, आ सकते हैं आ सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। आ सकते हैं। नाजरीन, उन्होंने यही कहा कि आ सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ऐसा होगा। लेकिन अगेन, हमेशा हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं शुमैसा रहमान, सी यू नेक्स्ट टाइम।